Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया, अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। अब लोग लेना ही बंद कर देंगे, जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, अब इस तरह की चीजों में लोग इन्वेस्ट करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए और जनरल इंश्योरेंस के लिए जीएसटी की क्या जरूरत है? दिस अफेक्ट्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज इंश्योर्ड। ये तो बड़ा ही अत्यंत ही काला कानून टाइप का उन्होंने डाल दिया है कि इसमें भी 18% लगेगा। आप अगर देखिए, किसी को अगर हेल्थ इंश्योरेंस में 50,000 साल का देना है तो 9,000 उसमें जीएसटी हो जाएगा, तो 59,000 हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी बिग सम फॉर अ कॉमन मैन और अ मिडिल क्लास मैन और एनीबडी। वो तो ले लिया था, ऊपर था ना।